हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 7 न्यूज हिंदी और मैं रहूंगी आपके साथ लुबना महराज। दोस्तों स्वागत करते हैं हम आप सभी देखने वालों का हमारी खास पेशकश हिंदुस्तान की बेटी में। और दोस्तों आज हम उस हिंदुस्तान की बेटी से बात करेंगे जिसकी वजह से जिसको लेकर पूरा हिंदुस्तान प्राउड फील कर रहा है। ऐसी हिंदुस्तान की बेटी जो अपने आप को डिवोट करके अपनी लाइफ को डिवोट करके कहीं ना कहीं दूसरों की मदद के लिए सामने आती है। एक ऐसी स्ट्रॉन्ग महिला जो कभी भी सोसाइटी में कोई भी मैटर हो उसको उस इशू को लेकर सामने आती है, उसको रिसॉल्व करने के लिए उस इशू को सॉल्व करने के लिए सामने आती है। अपने करियर में थ्रू आउट अपनी होल लाइफ में रेगुलर टॉपर रह चुकी हमारे साथ जुड़ गई हैं उर्वशी मित्तल साहिबा। उर्वशी मित्तल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। जी उर्वशी मित्तल साहिबा, आपसे शुरुआत में यही जानना चाहेंगे कहाँ से हैं आप और क्या करती हैं आप सोसाइटी के लिए और सोसाइटी के लोगों के लिए। लुबना, हम गाजियाबाद से हैं और शादी हमारी आगरा हुई। थोड़े टाइम 15 साल हो गए हमें दिल्ली में, तो हमने भी पिलानी से अपनी एजुकेशन करी। लेकिन हमारे फादर को हमेशा ये लगता था कि पैसा कमाना या जॉब करना इज नॉट द ओनली थिंग इन लाइफ, और आपके पास एक बहुत अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए जिससे आप एक रिस्पॉन्सिबल अवेयर सिटीजन बन सकते हैं, आप अपने बच्चों को अच्छी कल्चर दे सकते हैं जिन्हें फर्दर आगे चल के एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना है। तो इंडिया में जैसे सब जानते हैं पॉपुलेशन इतना है, तो हमारा हमेशा से टारगेट यही था कि हमें एजुकेशन चाहिए अच्छी चीजों को आगे लाने के लिए। तो इस समय हम सोशली एक्टिव है, वीक लोगों के लिए काम करते हैं, जो हमें अच्छा लगता है वो हमारा पैशन है, जुनून है, और बहुत सारे एनजीओ से हम एसोसिएटेड हैं। जी मैम, बीइंग ए मैनेजमेंट स्टूडेंट रह चुकी हैं आप, तो मैनेजमेंट स्टूडेंट होकर भी आपके जहन में कब ये ख्याल आया कि नहीं जी मुझे अपने आप को जो है लोगों की हेल्प के लिए सर्व करना है? देखिए, आपने लुबना सुना होगा कि कितनी चीजें होती है वो डेस्टाइंड होती है और आपका रास्ता वैसे ही चलता चला जाता है। जैसे फेमस कोट आपने सुनी होगी, जब आप किसी चीज के लिए शिद्दत से सोचते हैं तो इवन द स्टार्स कनाइव, और वो हो जाता है। और कुछ कुछ की चीजें जो आपके लिखा होता है, जैसे कि हम मैनेजमेंट करके आए, इसके लिए हम अपने हस्बैंड को बहुत बड़ा क्रेडिट देंगे। उन्होंने हमेशा हमसे यही कहा, आप बहुत पढ़ी लिखी हैं, आप देखिए आप जिंदगी से और क्या चाहती हैं, जिंदगी में क्या करना चाहती हैं। आई एम ओके इन माई बिजनेस, हमें आपकी मदद नहीं चाहिए। तो इनफैक्ट आजकल के जब बच्चों को देखते हैं, जब ये सुनते हैं कि शादी के लिए डिमांड होती है, हमें पढ़ी लिखी लड़की चाहिए इसलिए नहीं कि वो रिस्पॉन्सिबल अवेयर सिटीजन हो, इसलिए भी कि वो कहीं ना कहीं कमाने में मदद करे। तो एक ऐसा बंदा जो ये कहे कि हम घर चलाएंगे, आपको जिंदगी से और जो कुछ भी चाहिए आप उसे पूरा करिए और उसी डायरेक्शन में सोचिए, तो हम सोचते थे हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, क्या वे आउट है, और वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, क्योंकि हम शायद इतनी इंटेंसिटी से उस चीज के लिए सोचते थे। तो जब बच्चे बड़े हुए, जब आपको लगा कि अब टाइम है, क्योंकि आपने सुना होगा चैरिटी बिगिंस एट होम, और कभी भी हम अपना घर नेग्लेक्ट करके अगर कुछ करते हैं तो हम हमेशा शायद लूजर रहते हैं। एक बार आपने अपने बच्चों को टाइम दिया, एक बार उन्हें वो संस्कार दिए और उन्हें रिस्पॉन्सिबल अवेयर सिटीजन बना दिया, तो हमारे लिए अपने आप ये रास्ता खुल गया, भगवान ने हमें यहाँ डाल दिया। आई फाउंड माई कॉलिंग इन इनर व्हील। हम बहुत सारी एनजीओ से अटैच्ड हैं पर इनर व्हील प्रायोरिटी पे हमारा पैशन है। जी मैम, नो डाउट कि पूरा हिंदुस्तान अभी प्राउड फील कर रहे हैं हमारी उर्वशी मित्तल जी पे। तो आपसे जानना चाहेंगे अभी तक क्या क्या काम किया है आपने लोगों के लिए? लुबना, इनर व्हील में सबसे बड़ी बात, अच्छा पहले हम आपको इनर व्हील के बारे में बता दें, ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वैच्छिक कार्य करने वाली महिलाओं का संगठन है। ये 104 देशों में है, इसके वर्ल्ड वाइड तो हम 1.5 लाख मेंबर्स हैं, जिसमें खाली इंडिया में 45,000 हैं, और वो हर साल उसमें बढ़ोतरी हो रही है। तो इनर व्हील में सबसे बड़ी बात यह है कि आपका सोशल स्टेटस जो भी हो, इनर व्हील के ऊपर उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको पहले अपना डेडिकेशन प्रूव करना पड़ता है। और आपने सुना होगा कि एक पेड़ से अगर हमें छाया चाहिए या एक पेड़ से हमें फल चाहिए, तो पहले हमें उसे खाद पानी और अपने एफर्ट्स देने होते हैं, हमें उसको सींचना पड़ता है। अगर हमें बच्चा पैदा करना है तो 9 महीने उसे अपने कोख में रखना पड़ता है। तो इनर व्हील में वी कम हेयर टू गिव बैक टू सोसाइटी, वी आर नॉट इन इट फॉर इनकम, वी आर इन इट फॉर आउटकम। और शायद यही एक मूल मंत्र है जो सारी ही जो सोशली डेडिकेटेड एनजीओज होते हैं उनका भी होता है। तो इनर व्हील में आप पहले एक मेंबर बनते हैं, आप तन मन धन तीनों तरीके से
आप उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा, इनर व्हील बिल्कुल वॉलंटरी है, इसमें कहीं पर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं होता। फिर अपने आप, आपको पता है लुबना, चीजें होती चली जाती हैं। बट अगेन, आज हमारे पास कितने भी लोग हो तो उनको मैनेज करने के लिए फिर एक बॉडी होती है, तो जो इसके मेंबर्स होते हैं उनमें फिर इलेक्शन होता है, फिर एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होती है। जैसे हम सब अपने अपने लेवल पर रिस्पॉन्सिबल अवेयर सिटीजन है, पर हर लेवल पर हमें एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। ये हमारा RW है, ये हमारी लोकल बॉडी है, ये हमारी सिटी की बॉडी है, फिर हमारे स्टेट की बॉडी है। तो ऐसे इनर व्हील में सब मेंबर्स को, जिससे सब लोग एक बैनर के अंडर एकजुट होकर काम करें। ये एक बंद हो मुट्ठी तो लाख की, तो वही चीज है। इनर व्हील गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू डू गुड टू सोसाइटी, जहां पर जैसे भी आपको जहां पर भी मदद की जरूरत होती है इनर व्हील होता है। देखिए, इनर व्हील में हम लोग इसे प्रोजेक्ट कहते हैं, बट वॉट इज प्रोजेक्ट? एनी एक्ट ऑफ चैरिटी। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी शायद लोगों के आरोप के घेरे में आ जाए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पार्टी, पार्टी तो आती है जाती है, लेकिन जो भारत सरकार है वो भी अपने पास डेटा रखती है कि हमने जो एजुकेशनली वीक लोग हैं उनके लिए क्या किया, जो फाइनेंशियली वीक लोग हैं उनके लिए क्या किया, जो ऑर्फन्स हैं उनके लिए क्या किया। तो इनर व्हील में भी, क्योंकि हमें वो डेटा, हम लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो यूनाइटेड नेशंस में भी हैं, तो वहां जाकर वो बताते हैं कि इनर व्हील जो कि वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है उसमें उन्होंने कितना काम किया। तो एक एक बूंद से जैसे सागर बनता है, वैसे ही सारा डेटा इकट्ठा होके वो बड़ा डेटा तैयार होता है कि इनर व्हील ने कब कितना काम किया। तो उसके लिए हमें, हम इसे प्रोजेक्ट कहते हैं, पर प्रोजेक्ट मतलब आपके मन से किया हुआ कोई भी अच्छा काम प्रोजेक्ट होता है। किसी को अगर ऑपरेशन कराने के लिए 2 लाख की जरूरत है या 20,000 की जरूरत है, शायद आप 1,000 दें, 2,000 दें, लेकिन जब 10 हाथ मिलते हैं तो वो काम पूरा हो जाता है। तो किसी भी बैनर के अंडर जब लोग इकट्ठे होते हैं तो वो काम पूरा करा देते हैं। आपको छोटा सा एग्जाम्पल दें, जब 5 साल पहले हम क्लब प्रेसिडेंट थे तो हमने वाटर एटीएम इंस्टॉल किया था। आप सबने एटीएम का नाम सुना होगा। अब सोच रहे हो कि ये वाटर एटीएम क्या है, तो अगर आपने नहीं सुना तो बता देते हैं, सुना है तो बहुत अच्छा है, पर व्यूअर्स के लिए, जैसे एटीएम से हम पैसा निकाल सकते हैं, ऐसे वाटर एटीएम उन कॉलोनीज में जो कि रेगुलेटेड नहीं है या जहां पर किसी वजह से गवर्नमेंट सप्लाई नहीं है, जिन लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता, एटीएम इसलिए लगाया जाता है लुबना, क्योंकि हमारे देश में थोड़ा सा देखिए लोग लापरवाह हैं, और हमेशा से ये होता है कि जिस चीज के दाम नहीं मिलते उस चीज की आप लापरवाह हो जाते हैं जो मुफ्ती में मिलता है। तो इसमें बेयर मिनिमम कॉस्ट पर वाटर काउंटर्स होते हैं, हर एक को कार्ड इशू किया जाता है, उनसे नॉमिनल चार्जेस जैसे 10-20 पैसे लिए जाते हैं, उन्होंने कार्ड डाला, दिन में उनको लीटर स्पेसिफाई कर दिया जाता है, उतना लीटर उनको पानी निकल आता है। अगर आप उसको रेगुलेट नहीं करेंगे तो लोग उसी पानी से कपड़े भी धोएंगे और पोछा भी लगाएंगे। सो दैट इज नॉट वाटर एटीएम, जहां लोगों के पार्टिसिपेशन से उन्हें भी प्राउड होता है कि वो उनके पार्टिसिपेशन से एक मशीन लगी है और उनको बेयर मिनिमम। तो जो चीज 5 साल पहले लगाई वही अभी फिर लगाई, जैसे सैनिटरी नैपकिन, आपको पता है इस पे इतनी बड़ी बड़ी मूवीज बन गई कि स्वच्छता हाइजीन इट्स सो इम्पोर्टेंट फॉर अस। देखिए, आप वो करने की बात तब करते हैं जब आपका नींव तो स्ट्रांग हो। एक महिला के लिए सबसे ज्यादा जरूरत क्या है कि वो डिसीज फ्री हो, वो दूसरों के लिए तब सेवा कर सकती है जब वो खुद स्ट्रांग हो मेंटली एंड एजुकेशनली फिजिकली फाइनेंशियली, तो उसमें उसकी अपनी हाइजीन बहुत काउंट करती है। तो हम लोग इनर व्हील जगह जगह सैनिटरी मेकिंग मशीन्स लगाते हैं, फिर सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन्स लगाते हैं, क्योंकि ये हमारी प्रायोरिटी में है तो वो मशीन्स लगाते हैं। फिर एजुकेशन, हमने कहा ना, आप कुछ भी चीज सोचिए, चाहे वो पेड़ पौधे लगाने हैं जिससे हमारे पर्यावरण की रक्षा होती है, चाहे लेडीज को फिजिकली स्ट्रांग बनाना है तो वो कैंप ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं, कहीं पर भी हम लोग ये जहां पर भी, और लोग हमें अप्रोच भी कर सकते हैं, क्योंकि इनर व्हील आज दिल्ली में हम लोग 35 और 40 इनर व्हील के क्लब्स काम कर रहे हैं, जो कि उनके सर्टेन एरियाज हैं, जैसे जीके में जो क्लब है उसका नाम ही है जीके इनर व्हील क्लब ऑफ ग्रेटर कैलाश, जो न्यू फ्रेंड्स है उसमें नाम ही है इनर व्हील क्लब ऑफ न्यू फ्रेंड्स। तो वो अपने अपने लोकलाइज्ड एरिया में जहां से भी जहां भी मदद की जरूरत पड़ती है। जी, देखिए लेडीज की पॉकेट छोटी होती है, पर वो जितना भी कमाती हैं, जितना एफर्ट कर सकती हैं, और इनर व्हील बेसिकली काम करता है पर्सनल सर्विस पर। आप लोग यहाँ पे और एक बात छेड़ी की ट्रेनिंग कैंप्स वगैरह हम करते हैं, तो उस ट्रेनिंग कैंप के दौरान क्या क्या ट्रेनिंग दी जाती है, क्या अवेयरनेस दी जाती है लोगों को? देखो लुबना, सबसे बड़ी जरूरत होती है, हमने कहा ना ट्रेनिंग कैसे, जैसे एक तो आपको लेडीज को फिजिकली एम्पावर करना है, एक आपको लेडीज को फाइनेंशियली एम्पावर करना है। अब ज्यादातर अगर आप खुद ही समर्थ हैं तो आप अच्छे स्कूल में जाएंगे और आप यू आर ऑलरेडी एम्पावर्ड, आपको अच्छे जॉब मिलेंगे।